भाई साहब, देवरिया का ये जाम, ये ट्रैफिक, क्या ही कहें इसका, क्या जबरदस्त लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोपहर का हो रहे हैं 1 o'clock और दोस्तों अभी हम और मुकेश भाई अपने वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि भाई हिंड भी चाय वली भी कर देता है, किसी किसी ब्लॉग का शुरुआत भी चाय वली से कर रहा है। जी दोस्तों, हम लोग का कुछ काम रहता है इधर, तो हम लोग आते हैं, तो आज भी हम लोग आए थे कुछ काम करने, तो यहीं से वीडियो शुरुआत कर दिया। हमारे साथ देख लीजिए मुकेश भाई, और आज का वीडियो का शुरुआत हो रहा है चाय हवेली से, गर्म गर्म चाय से। वैसे धूप तो बहुत तेज हुआ है, लेकिन भाई धूप का कोई मतलब नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप तो बहुत तेज हुआ है। आपको देखने में तो लग रहा हो कि धूप बहुत तेज हुआ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड काफी लग रहा है। और दोस्तों हम लोग का सुबह का शुरुआत अभी हो रहा है, दोपहर के 1 बजे। भाई हम लोग सुबह से बाहर निकल गए थे, कुछ काम था जरूरी आज, तो चाय वगैरह पिए नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज गुड मॉर्निंग यहीं से शुरू करते हैं, दोपहर के टाइम से ही। क्यों मुकेश भाई? चाय हवेली भाई, हम लोग फैन हो गए हैं चाय हवेली के। क्यों मुकेश भाई? इतना टेस्टी चाय भाई ये लोग दे रहे हैं ना कि हम लोग फैन हो गए। हम लोग का डेली का आना जाना हो गया है, हम लोग के घर से लगभग 2-3 किलोमीटर पे है, तो भी हम लोग आ जाते हैं चाय हवेली। और दोस्तों इस चाय का क्या ही कहना, काफी टेस्टी लगता है, हम लोग इस चाय के फैन हो गए। आप लोग देख सकते हैं कितना झाग है इसमें। मुकेश भाई कैसा लगता है आपको चाय? मस्त है ना भाई, मस्त है। चलिए इसको पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम और मुकेश भाई वहाँ से चाय हवेली से चाय पीने के बाद डायरेक्ट आ गए हैं देवरिया का जलकल रोड में। जलकल रोड में हम लोग क्या करने आए हैं ये आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पीछे दिख रहा होगा अलबैक, क्या ही कहे भाई, रॉयल एनफील्ड चलाने वाले को। तो दोस्तों यहाँ पे अलबैक देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा 3rd time है कि हम अलबैक में आए हैं देवरिया के, और मुकेश भाई का 1st time। मुकेश भाई अभी तक आए नहीं थे अलबैक में, तो मुकेश भाई भी आज ट्राई करने वाले हैं अलबैक का कुछ खास। देखते हैं कि बहुत दिन हो गया हमें अलबैक में आए, देखते हैं क्या नया ऑप्शन आया है मीनू में। तो चले जाए मुकेश भाई अंदर, तो चलिए देखते हैं क्या नया अभी लॉन्च हुआ है यहाँ पे फूड वगैरह, क्योंकि भाई पुराना वाला मीनू तो मुझे पता है, लेकिन अगर नए में कुछ लॉन्च हुआ है तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे। क्या भाई क्या बाइक चलाते हैं लोग, पी 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 पी। तो चलिए चलते हैं अंदर। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. तो फाइनली उसके हम और मुकेश भाई आ चुके हैं अलबैक के अंदर, और यहाँ का एम्बियंस तो भाई काफी अच्छा लगता है हमें। और अभी आज शनिवार है, इस वजह से भीड़ कम है ना, शनिवार की वजह से आज भीड़ कम है। वैसे दोस्तों अगर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे उपलब्ध है वेज का ऑप्शन। और ये देख लीजिए, पहले सिर्फ नॉनवेज का ही आइटम था यहाँ पे, पर अभी जो है यहाँ पे वेज का भी ऑप्शन हो गया है। और देख सकते हैं हम लोग पुश करके मेनू पढ़ सकते हैं, इसमें भी वेराइटी बॉक्स है, कॉम्बो है, और बाकी सब आप लोग देख सकते हैं इसमें। और दोस्तों हमने कॉम्बो में से लिया है वेज फ्राई राइस पनीर मंचूरियन, जो कि 180 रुपये का, और चिकन में अभी देखते हैं, पहले वेज हम लोग ट्राई करते हैं। वेज हम लोग अभी तक अलबैक में नहीं ट्राई किए थे, नॉन वेज ही ट्राई किए थे, और आज वेज ट्राई करते हैं यहाँ का, देखते हैं कि वेज कैसा यहाँ पर मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों जो हमने ऑर्डर किया था वेज फ्राई राइस प्लस मंचूरियन 180 का कॉम्बो, वो आ चुका है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, ये वेज फ्राई राइस क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी मिली है, और ये अपना पनीर मंचूरियन जिसमें 2, 4, 5, 6, 7, 8 पीस मिला हुआ है हमें। और आइए इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट देखते हैं भाई देखने में कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना भाई। तो दोस्तों देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, एकदम गर्मा गर्म हमें मिला है। और दोस्तों इसको आप लोग अलग से भी ले सकते हैं फ्राई राइस को, देखिए पनीर मंचूरियन लेंगे अलग से 8 पीस का 110 रुपये, वेज फ्राई राइस 80 रुपया, तो थोड़ा सा 5 या 10 रुपये का कम मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग कॉम्बो लेते हैं तो आपको सीधे 10 रुपये का छूट मिलेगा, अगर अलग अलग लेते हैं वेज फ्राई राइस तो 80 का पड़ेगा और पनीर मंचूरियन पड़ेगा 110 का, तो आप लोग कोशिश कीजिए कॉम्बो ही लें। तो दोस्तों आइए हम लोग वेज फ्राई राइस को टेस्ट करते हैं। दोस्तों इसमें हल्का छोटा छोटा कैप्सिकम और कैरेट भी डाला गया है,
और दोस्तों हमने भैया से पूछा, भैया बता रहे थे कि हाफ स्टीम चावल, हाफ स्टीम चावल है भैया जी, हाफ स्टीम चावल है। और आइए इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी गर्म है भाई, गर्मा गर्म है पूरा। भाई फ्राइड राइस का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें फ्राइड राइस मसाले का भी यूज किया गया है। कौन सा मसाला भैया आपका, कोई स्पेशल है क्या? जी भैया अच्छा, दो तीन मसाले का भी। अच्छा कुछ स्पेशल मसाला भैया यहीं पे तैयार करते हैं, कोई मार्केट का मसाला नहीं लेते हैं, और स्पेशल मसाले का इसमें प्रयोग किया गया है। और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्राइड राइस का। और ये पनीर मंचूरियन, दोस्तों देवरिया में हमने मंचूरियन, पनीर मंचूरियन कई जगह खाया है, लेकिन ग्रेवी में पनीर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसके ग्रेवी में भी पनीर का प्रयोग किया गया है। और आइए इसका टेस्ट देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ग्रेवी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, और पनीर का जो पीस है वो भी काफ़ी बड़े साइज में दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको भी ट्राई करते हैं, पनीर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको दोस्तों हम लोग ना फ्राई राइस के साथ ट्राई करते हैं। वह पहले इसके ग्रेवी को लेते हैं फ्राई राइस में, और फ्राई राइस के साथ ट्राई करते हैं इसको। फ्राई राइस के साथ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका ग्रेवी, और साथ में कोई ऐसा चटनी भी दिया गया स्पेशल, टमाटो की चटनी है ये, हल्का स्पाइसी भी है चटनी। और इसको पनीर के साथ भी खाते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग पनीर को फ्राई राइस के साथ खाते हैं। भाई दोनों कॉम्बो है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अगर आप लोग अलबैक आइएगा, अगर वेस्ट खाते हैं ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों ये पनीर मंचूरियन और फ्राई राइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है, साथ में थम्सअप, मस्त। भाई मुकेश भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अलग लग रहा है भाई, हर जगह खाए हैं, वहाँ का टेस्ट सबसे अलग रहता है। भाई अलबैक का ब्रांड का हर चीज़ अलग रहता है, चाहे अलबैक हो गया, चाहे केएफसी हो गया, चाहे बर्गर किंग हो गया, चाहे डोमिनोज, जो भी ब्रांड की चीज़ें हैं उनका अलग ही नेक्स्ट लेवल रहता है टेस्ट। तो दोस्तों अभी हम लोग अलबैक से निकल चुके हैं, देखिए पीछे अलबैक से हम लोग निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ और खाने स्पेशल। दोस्तों आज बहुत मन था अलबैक में जाने का, पर आज हम लोग को नॉनवेज खाने का मन नहीं था, तो वेज ही हम लोग ट्राई किए हैं यहाँ पे, जो हमने कहा ही था तो वैसे ही कुछ यूनिक अगर शुरू होगा तो वही हम लोग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेज का भी ऑप्शन शुरू हो गया अलबैक में, तो जो वेज वाले हैं भाई आइए और खाइए। तो कैसा लगा मुकेश भाई? बढ़िया लगा, काफ़ी टेस्टी लगा। चलिए देखते हैं कि और हमें क्या खाने लायक मिलता है आगे, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट अलबैक से आ चुके हैं, महाराजा अग्रसेन स्कूल देखिए है, बालिका विद्यालय है इस रोड में, विजय टॉकीज वाले रोड में। और दोस्तों यहाँ पे एक पीछे आपको स्टॉल दिख रहा होगा, ये बहुत ही फेमस स्टॉल है पकौड़ी का, भजिया का, यहाँ पे हर तरह का आपको भजिया मिल जाएगा। और दोस्तों इवनिंग का टाइम हो गया है, तो हम मुकेश भाई सोचे कि भाई चलते हैं यहीं पर कुछ स्नैक वगैरह खाते हैं, इवनिंग का टाइम हो ही गया है। तो यहाँ पर बहुत फेमस पकौड़ी मिलता है भाई, दाल का मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पकौड़ी। अंकल जी तेरा है, गोभी है, कचरी है, टिकिया है, समोसा है, घाटी है, प्याज है। ये कौन सा है? दाल का है? दाल का। कैसे है ये? 6 रुपये दे दीजिएगा दो जगह। ये हमने ले लिया दाल का पकौड़ी, चने का दाल का पकौड़ी, और मसाले का भी कुछ प्रयोग किया जाता है। 6 रुपया पीस है, 6 रुपया पीस। आइए इसको टेस्ट करते हैं, कैसा लग रहा है? सही है, गर्म गर्म है भाई, देखिए अंकल जी गर्म गर्म निकाल रहे हैं, आइए टेस्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों काफ़ी स्पंजी पकौड़ी है यार, और आइए इसको टेस्ट करते हैं तीखी चटनी के साथ। हाँ भाई टेस्टी लग रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, स्पाइसी भी है, और पूरा चने का दाल का काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ का ले लिया एक फेमस घाटी, जिसके साथ हमें तीखी चटनी, मीठी चटनी, और ये चोखा मिला है, और प्याज है, और ये भी 6 रुपये पीस है। आइए इसको टेस्ट करते हैं। और मुकेश भाई का भी मन ललच गया, मुकेश भाई खाने वाले थे टमाटर की पकौड़ी, पर इन्होंने भी चूज कर लिया है घाटी, और इसके अंदर पूरा स्टफ किया गया है चने का सत्तू और ये मिर्च। आइए इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट देखते हैं इसका कैसा है। इसका भी ट्राई काफ़ी अच्छा भाई, काफ़ी खस्ता है ये,
गर्म होगा, काफी खस्ता कैसा लग रहा है? सही है भाई, काफी खस्ता। तो दोस्तों होप करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा के उसको भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा सबसे पहले आप सबको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि भाई लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अलबैक वाला, क्योंकि भाई अलबैक बेसिकली चिकन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे देवरिया वाले आउटलेट पे वेज का भी आइटम दिया जा रहा है, तो ये वेज खाने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है कि अलबैक में वो जाके वेज भी खा सकते हैं, जिनको नॉन वेज नहीं पसंद है वो वेज भी खा सकते हैं। वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं यहाँ पे ऑप्शन, और नॉन वेज पर बहुत सारे अपडेट हुए हैं, वेज के भी अपडेट होते रहेंगे, बहुत सारे आपको नए नई चीज़ें मिलती रहेंगी वहाँ पे खाने के लिए। वैसे बर्गर वगैरह सब कुछ मीनू मैंने दिखाई, आप लोग पूछ करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही अच्छे से मैं भी बहुत सारे ब्रांड के ब्लॉग लाने वाला हूँ, फूड ब्लॉग, तो बस बने रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए।